नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य को तीन कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1000 से 1375 तक मानी जाथ है, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राजस्व साहित्य और लौकिक साहित्य लिखा गया। इसके बाद में मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, इसमें राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, संत काव्य और सूफी काव्य लिखा गया। इसकी समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी जाती है। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है, उसकी समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 तक मानी जाती है। इसके बाद में आधुनिक काल प्रारंभ होता है, जिसको शक संवत में प्रारंभ 1857 से प्रारंभ होता है। इसका जो पहला युग है वो भारतेन्दु युग है, 1857 से लेकर 1900 तक। इसके बाद में 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। तीसरा 1918 से लेकर 1935 तक छायावादी काल है, और 1936 से लेकर 1941 तक मार्क्सवाद के अनुरूप लिखा गया साहित्य मार्क्स, इसे हम प्रगतिवाद नाम से जानते हैं। इसके बाद में 1942 से लेकर 1951 तक जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में प्रयोग किए गए, इसलिए इसको प्रयोग के आधार पर ही प्रयोगवाद नाम से जाना जाता है, इसे प्रयोगवादी युग कहा जाता है। इसके बाद में 1952 से लेकर 1960 तक जो काव्य लिखा गया, वह नवीन विषय, भावबोध और रचना शैली, उपमा, अलंकार सब कुछ नहीं होने के कारण उसे नई कविता नाम दिया गया। 1960 से लेकर अब तक जो काव्यमान लिखा गया है, उसे साठोत्तरी काव्य या समकालीन काव्य कहा जाता है। इस प्रकार ये संक्षिप्त में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का विवरण है। धन्यवाद।